अब तक आपने ये जरूर सुना होगा कि शादी के अगले ही दिन दुल्हन जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गई, या फिर शादी से पहले दुल्हन पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई। लेकिन यूपी से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला आया जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि इस बार दुल्हन सरकार के ही पैसे लेकर फरार हो गई। जी हाँ, पीएम आवास योजना की किस्त सरकार डालती है, और जैसे ही ये पहली किस्त लोगों के बैंक अकाउंट में आई तो एक साथ 9 गांव से 11 महिलाएं अपने प्रेमी संग फरार हो गई, और शिकायत उन्हीं महिलाओं के पति द्वारा की गई। कुछ लोगों ने शिकायत ही नहीं की क्योंकि उन्हें इज्जत का डर सता रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की जिसके बाद ये खुलासा हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ कड़ा रुख किया जाएगा, क्योंकि इस बार पैसा किसी का पर्सनल नहीं गया, सरकार का गया है। अब देखेंगे कि सरकार क्या कुछ करेगी। फिलहाल आपको पूरी खबर से वाकिफ करा देते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम आवास की पहली किस्त मिलने के बाद किस्मत सी जाग गई उन लड़कियों की जो अपने प्रेमी के संग भाग खड़ी हुई, और ऐसा एक दो लड़कियों ने नहीं किया बल्कि 11 दुल्हन अपने प्रेमी संग पीएम आवास की पहली किस्त आते ही भाग गए। जी हाँ, अक्सर खबरें आती हैं कि लुटेरी दुल्हन शादी के अगले दिन गहने लूट कर ले गई, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और ही है। इस बार एक ऐसी खबर सामने आई कि सरकार को ही दुल्हन चूना लगाकर भाग गई। यूपी के महाराजगंज में 11 दुल्हनों का अजीबोगरीब मामला सामने आया। ऐसा मामला ना तो कभी किसी ने सुना और ना ही कभी किसी ने देखा। इस केस से न सिर्फ गांव वाले सदमे में हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी हैरान है, क्योंकि यहां एक साथ 11 महिलाएं अपने प्रेमी संग फरार हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये महिलाएं खाली हाथ नहीं बल्कि पीएम आवास योजना की किस्त लेकर फरार हुई हैं। हैरान करने वाले मामले में खुलासा होने के बाद अब पुलिस न सिर्फ भागी हुई महिलाओं की तलाश कर रही है बल्कि पीएम आवास की किस्त को भी रिकवर करने में जुट गई है। बता दें, ये पूरा मामला महाराजगंज जिले के 9 गांव का है। जैसे ही 11 महिलाएं अपने प्रेमियों संग फरार हुई, गाँव में हड़कंप सा मच गया। मजे की बात ये कि जिन पतियों की पत्नियां फरार हुई हैं उनको अब पछतावा हो रहा है, और सारे पति पुलिस के पास गुहार लगाने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि न सिर्फ उनकी पत्नियों को ढूंढा जाए बल्कि उनके अकाउंट में आ रही पीएम आवास योजना की किस्त को भी तत्काल प्रभाव से रोकने का इंतजाम किया जाए, ये कहा गया। वहीं कुछ लोग सामने आकर रो रो कर अपनी आपबीती भी सुना रहे हैं, जबकि कुछ लोग डर से बात छुपा रहे हैं। वहीं डीएम ने इस मामले पर कहा है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। हैरत इस बात की कि एक साथ 11 महिलाएं फरार हो गईं, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। 9 गांव की महिलाएं पीएम आवास की किस्त लेकर फरार हुई हैं। बता दें कि अब समस्या बड़ी हो गई है। अब ये सोचा जा रहा है कि आखिर इन हालात का सामना कैसे किया जाए। विभाग की तरफ से घर वालों के पास रिकवरी का नोटिस आने का डर भी लोगों को सता रहा है। वहीं प्रशासन ने अपनी कार्रवाई भी शुरू की, क्योंकि जिन महिलाओं को पीएम आवास योजना की किस्त मिली है उन्होंने इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर लिया है। लाभार्थियों ने आवास बनाने के लिए उस रकम का इस्तेमाल ही नहीं किया, लिहाजा अब ब्लॉक के विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लाभार्थियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही पैसे भी रिकवर कर लिए जाएं। बता दें कि पीएम आवास की पहली किस्त मिलते ही इनकी किस्मत जाग गई, पैसे आते ही 11 दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई, जिसके बाद थाने पहुंचकर उन्हीं के पतियों ने शिकायत भी की और इस बात की भी मांग की कि जल्द पैसे को रिकवर किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है
कि भागी हुई लड़कियों को ढूंढ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।